नमस्कार, सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं लवली जान। दरभंगा के केवटी थाना के अंतर्गत बढ़ी गांव के निवासी मुकेश ने चचेरी भाभी से नाजायज संबंध बनाकर 14 फरवरी को उसकी हत्या कर दिया। हत्या के 3 दिन बाद हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जहां उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। हत्यारा का मृत महिला के साथ नाजायज संबंध था। परिवार के लोगों ने दोनों पर लगाम लगाना शुरू किया तो दोनों घर छोड़कर दिल्ली चले। वापिस लौटने पर घर वालों ने दोनों को रखने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुए। ऐसे में महिला को सुरक्षित रखने का ठिकाना न मिलने से परेशान व्यक्ति ने महिला को 14 फरवरी को सुनसान जगह बुलाकर गला घोटकर गले में साड़ी का फंदा लगाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। खास बात यह है कि महिला के 3 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। क्या संबंध था तुम्हारे और तुम्हारे भाभी में? प्यार था। कितने थे? 1 साल से। और किसी को पता था? हाँ, मेरे काकी को पता था। लेके कहाँ गए थे? दिल्ली। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद रूम खोजने के बाद नहीं रूम मिला था, तो रूम वाले आधार कार्ड मांगने के बाद आधार कार्ड नहीं हमारे पास था, नहीं उसके पास था। तो वो बोला कि आधार कार्ड आप लेके आते ना, तो हम बोले कि हम भूल गए आधार कार्ड, वो भी भूल गया, तो आधार कार्ड लेने के लिए यहाँ आए थे। यही इसी बीच तुम्हारे भाभी कितने बच्चे? 3 बच्चे थे। 14 तारीख को केवटी थाना अंतर्गत बरही के बागीचे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान हुई और वो सुनहान गाँव की एक पतोहू थी जिसकी हत्या की गई थी। बाद में पुलिस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसका देवर मुकेश दास उसको लेके फरार हुआ था और दिल्ली ले गया था, फिर लौट के आया था। परिवार वाले उसको रखने को तैयार नहीं थे। उसी क्रम में उसकी हत्या का आरोप उसके लड़की के मायके वालों द्वारा लगाया गया है। लड़की के गले पर फांसी लगाने के निशान भी थे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। ये जो देवर है उसका एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लेके गए थे, लड़की जबरदस्ती मेरे घर में रहने आए थे, उसी बीच में झगड़ा झंझट हुआ था, तभी इसकी गिरफ्तारी की गई। डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड परिसर में 20 वर्ष पूर्व रसोई घर का निर्माण हुआ था, लेकिन रसोई घर का सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण खुले में भोजन पकाने पर विवश है। इसमें कभी भी हो सकती है बड़ा हादसा। 1997 के अंतर्गत में रोटरी क्लब द्वारा रसोई घर का निर्माण करवाया गया था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस रसोई घर में आज तक किसी मरीज ने खाना नहीं बनाया है। आलम यह है कि रसोई घर में लगी गैस पाइप लाइन बंद खुला बिना उपयोग के ही बर्बाद हो गए हैं। भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है और आवारा पशुओं ने भी अपना आशियाना बना लिया है, जिसको लेकर मरीज के परिजन या तो अस्पताल के बरामदे पर या फिर खुले में भोजन पकाने को विवश है। शाम होते ही अस्पताल के बरामदे पर एक लाइन से परिजन गैस के चूल्हे जलने, बर्तनों के टकराने व सब्जी धोने व खाना बनाने के बाद बचे पानी को जहां तहां फेंकते दिखते हैं, जिससे पूरी बरामदे पर सिस्टम की कमी रहती है। दरअसल अस्पताल में आस पास के कई जिलों के मरीज रोजाना पहुँचते हैं और इनमें से अधिकतर मरीज खुद ही भोजन बनाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे परिवार में नहीं मिल रही है। सर अंदर व्यवस्था में खाना बनवे के इसलिए कहीं इमर बने कोई में साफ सुथरा नहीं है सर, और जो भी रूम है सर जो मैं चलो पूरा कचरा से भरल है, वहाँ खाना आर के व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए बाहर में सर बनवे पड़े। कभी अस्पताल प्रशासन को कहा है जो किचन गंदगी गंदा है? शिकायत तो नहीं करिए सर। लापरवाही आलम यह है कि सभी वार्डों में बेड के नीचे प्रतिबंधित 5 केजी का सिलेंडर देखने को मिलता है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन जागरूक नहीं है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बताते चलूं कि डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड के अलावा किसी भी वार्ड में अस्थायी रसोई घर नहीं है।
लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह रसोई घर भी किसी काम का नहीं रहा है। भवन को देखकर लगता है कि अस्पताल प्रशासन को इससे सरोकार भी नहीं है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा भी मानते हैं कि मरीज और अस्पताल दोनों की में हानिकारक है। मरीज व परिजनों को रसोई घर में भोजन पकाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी को कड़ा निर्देश दिया गया है। रात्रि क्लब के द्वारा रसोई घर बनाया गया था। रसोई घर के स्थिति बद से बदतर बनी हुई है और लोग वार्ड में ही खाना बना रहे हैं। इस संबंध में सबको जानकारी दिया गया है कि वहाँ पर खाना बनाने की सुविधा है। लोग अपने सुविधा अनुसार जहाँ होता है उसके लिए हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप वहीं खाना जाकर बनाएंगे। जहाँ सुविधा हो तो वहाँ बनाते हैं। थोड़ा सा दूरी है और वार्ड से वहाँ पहुँचने में, लेकिन मेडिसिन वार्ड के लोग भी जो है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या तो मरीज के हित में कितना हानिकारक है जो बाद में हानिकारक है, मरीज के हित में अस्पताल के हित में बहुत हानिकारक है। दरभंगा के मबी ओपी क्षेत्र के मखानी गांव में देर रात पेड़ से लटका हुआ युवक का बरामद हुआ शव। युवक किसीनाग के केतुका गांव के निवासी सुरेंद्र यादव के 25 वर्षीय पुत्र अमरेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। दरभंगा जिले के मबी ओपी क्षेत्र के बखराही गांव निवासी सुरेंद्र यादव के पुत्र अमरेंद्र कुमार यादव की लाश शनिवार की देर शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस ने गांछी से बरामद की है। दरभंगा मुजफ्फरपुर NH 57 से 2 किलोमीटर उत्तर चौर में पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। अगले सप्ताह घर में अमरेंद्र की बहन की शादी भी है। ओपी अध्यक्ष गौतम कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। घटना की सूचना पर SDPO दिलनवाज अहमद भी वहां पहुंचे। पुलिस के अनुसार घर वाले को कुछ लेन देन का भी मामला था। हालांकि घर के बदले चौक में तस्वीर से लटकना यह हत्या मालूम पड़ता है। तो कुछ मालूम नहीं था, कभी बताया नहीं था, जो कि मतलब हम किसी का पैसा लिए हैं कि क्या किए हैं वो हमको मालूम नहीं। लेकिन गांव वाले ना जो दिया था वो भी नहीं बता रहा था और जो लिया था वो भी नहीं बता रहा था। केवल गांव वाले लोग जो है सो ये बोलता था जो कि तुम्हारा बेटा 50,000 रुपया लिया है। तो हमको तो लगता है जो कि मतलब वो पैसे के दबाव में आकर के सुसाइड किया है। कहे तो मैं अभी आया था लड़की को शादी करने के लिए, 9 मार्च का जो है ना लड़की का शादी जो है सो तय किए थे। दबाव में सुसाइड किया है कि हत्या हुआ है वो मेरे को मालूम नहीं साहब। मैं वो पार्टनरशिप में होटल की खोल करके खाने का होटल जो है ना वो चलाता था। मब्बी ओपी अंतर्गत मखनाही चौर में अंगद कुमार नाम के एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। वैसे उसके सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। एक हत्या के कारण में ये जेल गया था और 3 महीना पहले ही छूटा था। कि आत्महत्या या हत्या का जो भी निकले पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि इसके पीछे कारण क्या था, इसके हम जांच करेंगे। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इकमी लहरियासराय में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसमें दंत रोगों का इलाज अत्याधुनिक उपकरणों से सहायता सफलतापूर्वक की जाती है। देखिए ये एक तरह का जागरूकता अभियान है जो रोड शो के जरिए, जैसे कि मोबाइल चेकअप होता है मुंह का, तो इससे ओरल हेल्थ अवेयरनेस होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो हमारे इसमें चेकअप में आता है उसको ये पता चल जाता है उसके मुंह में क्या दिक्कत है जो उसको एक्चुअली में नहीं पता है। तो चेकअप के यही फ़ायदे, जिसका हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, कि इससे जो बीमारियाँ हैं जो छुपी हुई रहती है उनके बारे में उस पेशेंट को बताना। फिर इट ऑल्सो एक्ट एज ए रेफरल सेंटर कि हम लोग जब बता दिए तो आगे का जो स्टेप है कि जाके इलाज करवाइए। जैसे कि हमारे कैम्प के थ्रू ही हमने ओरल कैंसर अवेयरनेस क्रिएट किया, जिसमें जिनके मुंह में कैंसर का पहला स्टेज हो जिसको नहीं पता है उनको हम बता दिए कि आपके मुंह में ये बीमारी जो है ओरल कैंसर भयंकर एक बीमारी है जो फैल रहा है। तो वो पेशेंट को पता चला, नहीं तो वो किसी और स्टेज में जाके उसे पता चलता तब तक और देर हो जाता। तो इससे क्या हुआ, उसका डायग्नोसिस या जो भी है वो अर्ली स्टेज में हो गया।
हम लोगों का कैंप लगाने का उद्देश्य ये होता है कि जो पब्लिक है उन्हें अवेयर हो, वो लोग सारे जितने बीमारी होते हैं मुंह में उन लोगों से हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा अवेयर हो और कुछ भी बीमारी से वो लेट ना आकर ट्रीटमेंट कराएं, पहले ही आकर ट्रीटमेंट कराएं, ज़्यादा कुछ खतरनाक बीमारी ना उस चीज़ को ले ले। इसलिए हम लोग कैंप लगाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि वो आकर हमारे पास सही इलाज करवा सके। अभी बहुत सारी जगह पर कैंप लगा चुके हैं, ये हमारा सिवनी में भी कैंप हुआ है, कल्याणपुर में भी हुआ है, अस्तवारा में हुआ है, तारालाही में हुआ है, बहुत जगह पर कैंप हम लोगों ने लगाया हुआ है। क्या नाम है आपका? रहमत जमाल। क्या है आप? इंटर्नशिप एसोसिएशन के द्वारा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन निर्धारित किया गया, कविता पत्रकारिता तथा समाज सेवा के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया। आपका समय हमारे पहुंचे की याद मंच पर आ गई है और हमें किरदार लगातार देखता रहा हूँ जो मेरे लिए प्रेरणा हो। फोन कर वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। जो पेशेंट कलकत्ता, बनारस, दिल्ली, बहुत सारे पेशेंट जाके इलाज कराते थे, वो सारी सुविधा पहली बार हम लोगों ने नॉर्थ बिहार में, हमारा जो पहला ऐसा सेंटर है जो सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रहा है, और हम कहेंगे कि उससे ज़्यादा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 52, 53, 54 ईयर्स की पेशेंट है जो पहली बार लाइफ में माँ बनी है, अभी डिलीवरी करा के गई है। कृत्रिम गर्भाधारण, टेस्ट ट्यूब बेबी, इक्सी शिकारु की जटिल समस्याओं का सफल उपाय, पुरुष वाजपेयी हेतु परामर्श एवं इलाज, दशवंती को खोलना, फैलोपियन ट्यूब को खोलना,
अंडे बनाने के लिए अंडाशय का उपचार। हिस्टेरोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी में पर्दे हटाने या बच्चेदानी के आकार को ठीक करने की सुविधा। ओवेरियन सिस्ट रसौली निकालना, बच्चेदानी निकालना, मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। दरभंगा एनसीसी बी कैडेट का एग्जाम दरभंगा ललित मिथिला विश्वविद्यालय खेल परिसर में लिया गया। बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है जो कि साल में एक बार कंडक्ट होता है। जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं बी का, इन लोगों ने क्या क्या सीखा है एनसीसी के बारे में, उसकी जो है यहाँ पे टेस्ट ली जा रही है। ये बी सर्टिफिकेट जब पास कर जाएंगे तो इसके बाद फिर ये सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कितने बच्चे सौभाग्य आदमी है? अभी तक 468 बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कर्नल जैन। कहाँ से? मैं 25 बिहार मोतिहारी एनसीसी का। एग्ज़ाम चल रहा है और 25 बिहार बटालियन एनसीसी से आपने जो आपको ब्रीफ किया, मैं 25 बिहार बटालियन एनसीसी का सीओ हूँ और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि बी का एग्ज़ाम जो सालाना होता है और चले, और इसके बाद प्रैक्टिकल है, रिटेन प्रैक्टिकल होता है। 2 दिन के अंदर हमें एग्ज़ाम क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आता है, फिर बच्चों को कैडेट को दिया जाता है। और बाकी इसके फ़ायदा तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी इसके फ़ायदे हैं एडमिशन में, नौकरी में। तो इसका लाभ कैडेट उठाएँ जो हमने इनको 2-2 साल का ट्रेनिंग दे रखा है इसका। क्या नाम होता? मैं कर्नल रामानु सिंह। कहाँ से? 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर। ये 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। इस रिटेन परीक्षा के बाद इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, जैसे आर्मी में आप जानते हैं फौज का जो वेपन से रिलेटेड, युद्ध विद्या से रिलेटेड है ना, ये सारे सवालों से संबंधित, फिर इनका फिजिकल ड्रिल वगैरह से संबंधित इसकी परीक्षा जो है इस रिटेन परीक्षा के बाद वो परीक्षा ली जाएगी। तो ये 2 स्तरीय परीक्षा है, उसके बाद फिर इनके जो एग्ज़ाम्स पेपर्स हैं उनकी फिर जांच होगी, इसके बाद फिर इनका रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ एनसीसी में जो रिज़ल्ट आता है उसमें ग्रेडिंग होती है, उसमें ए बी और सी, सबसे अच्छा ए ग्रेड, अल्फा ग्रेड, ये होता है यहाँ। इस प्रकार हर साल चलने वाली जो परीक्षा है उसी के तहत इस साल भी ये बी सर्टिफिकेट की परीक्षा हो रही है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 37 में जनजमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। लोगों ने बार बार शिकायत के बाद भी जब नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर हंगामा शुरू कर दिया। वार्ड 37 के पार्षद भी मौके पर पहुंचकर दरभंगा नगर निगम से संबंधित कर्मचारी पदाधिकारियों को कई बार संपर्क किया। पार्षद रियासत अली खान का कहना था कि कई बार नाले से संबंधित शिकायत की गई है, जैसे भी के सहारे मुख्य नाले एवं अन्य गलियों के नाले की सफाई करा दी जाएगी तो पानी की निकासी हो पाएगी। स्थानीय लोगों का कहना था कि नगर निगम उनकी बातें की अनसुनी कर देते हैं। 37 के जो मेन रोड से जो इमामबाड़ी के रोड जा रहा है उसका नाला बहुत जाम है। हम लोग कई बार खबर किए हैं और म्युनिसिपैलिटी से अथी नहीं आ रहा, मशीन नहीं आ रहा जीसीडी, इसलिए नाला बहुत जाम है। घर घर पानी घुसा हुआ है, रोड से आने जाने का दिक्कत होता है। क्या नाम है? हमारा नाम गणेश महाशय। यह कोई बरसात का मौसम नहीं है और न ही कोई गाँव का सड़की, बल्कि दरभंगा शहर की यह वार्ड नंबर 37 का दृश्य है। आप साफ देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में कई तालाबें भी सूखने की कगार पे होते हैं, तो धूप आते ही पानी
सूखने लगते हैं, लेकिन यह वार्ड नंबर 37 का वीडियो है जो दिखा रहा है यह कहा। जो है मतलब विद्या लाडू से सामने वाला गली में है, पूरा नाला चौक है, पूरा भरा हुआ है, जो है पूरा जाम है और आगे भी नाला जाम बनाया हुआ है। वो भी जो है मतलब नहीं जो टूटेगा तभी कोनो कार्रवाई होगा। नाला का पानी क्या सड़क पे आ गया है? नाला का पानी सड़क पर आया हुआ है। कितने दिनों से? अरे 4-5 महीना हो रहा है। पूरा हम लोग के माला में पानी जो है उल्टा उल्टा भाग रहा है पानी। क्या नाम है? रूप मामले को नगर आयुक्त को फोन किया गया। मामले की गंभीरता से लेते हुए कुछ देर के बाद नगर आयुक्त ने फोन कर जानकारी ली। कुछ घंटे के बाद सफाई कर्मी एवं जेसीबी मौके पर पहुंच कर नाले की सफाई शुरू कर दी। के हर बोर्ड मीटिंग में यही बात बोल रहा हूं कि नाका 6 से दारू भट्टी चौक का नाला जाम है, जिसके कारण पानी उल्टा रिवर्स कर रहा है। नगर आयुक्त हुआ, मेयर हुआ, डिप्टी मेयर हुआ, नगर निगम के जितने भी प्रशासन है सबको मैंने बोला, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रोज फोन करता हूं, कोई फोन उठाता है, कभी नहीं उठाता है। क्या करने से नाला की सफाई हो सकती है? ये मेन रोड का जब तक नाला सफाईया नहीं होगा तब तक कोई मीटर शॉर्ट आउट नहीं होगा। मेन रोड पूरा जाम है और प्लस लाइट हाउस के अंदर वाला जो गली है वहां पर एक नाला जो है लगभग 20-25 फीट का, उसको चीरना होगा, एक दूसरे से मिलाना होगा, तभी यहाँ पर का मीटर शॉर्ट आउट होगा। तो इतनी लापरवाही क्यों? ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या मामला है, क्या क्यों नहीं सुना जा रहा है, इसका तो नगर निगम प्रशासन जवाब देगा। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, एक कान से सुनती है दूसरा कान से निकाल देती है। आज बात किया? आज भी मैंने सुबह सुबह 3 बार राम बाबू को सुबह से फोन कर चुका हूँ। बार बार यही बात बोलता है ये कि जेसीबी जो है कचरा तोड़ने गया, हमेशा कचरे तोड़ने जाता है और कोई दूसरा काम नहीं करता। जेसीबी नाले की सफाई बिल्कुल नहीं करता। क्या नाम है? मोहम्मद रियासत अली, वार्ड पार्षद 37 दरभंगा। उच्च न्यायालय द्वारा जुगाड़ ठेला पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ वाहन मजदूरों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष महासचिव रमन कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में हुई। दूरसंघ दरभंगा शाखा की ओर से ये बैठक हम कर रहे हैं। हमारी बैठक की मुख्य मांगे हैं कि भारत सरकार के अंदर में एक देश में दो तरह का किस कानून बना हुआ है। ये जुगाड़ ठेला जो दिल्ली के भारत के राजधानी में चल रही है, जहाँ के मुख्यमंत्री चलवा रहे हैं, बंगाल गवर्नमेंट चलवा रही है, बहुत सारे स्टेट में यह ठेला चल रही है, बिहार में बिहार की सरकार और न्यायपालिका की कारण से यह गरीब को शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में हमारी पार्टी सेक्युलर और ये मजदूर बिहार जुगाड़ ठेला संघ के तत्वधान में हम इस अपने उचित मांग को लेकर के आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। आगे की लड़ाई लड़ने के लिए उसके कड़ी में हमारी पार्टी मजदूर संघ हाई कोर्ट में भी रिट करने की तैयारी कर ली है, जो बहुत करीब में रिट होने जा रहा है। क्योंकि बिहार में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिना जुगाड़ ठेला वालों को, जुगाड़ ठेला निर्माताओं को मुडाला बनाते हुए एक पक्षीय फैसला प्रतिबंध का आदेश लगा दिया। इसलिए आज वर्ष 2016 से लगातार बिहार में जुगाड़ ठेला रिक्शा वालों के समक्ष भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न खड़ी हुई है। उस पर उससे निजात पाने के लिए हम लोग जुगाड़ ठेला रिक्शा वाहन को व्यवसायिक वाहन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आज यह बैठक कर रहा है और इस बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन जो धर पकड़ का अभियान दरभंगा में कर रही है उस पर रोक लगाने और जुगाड़ ठेला को मान्यता दिलाने के लिए 22 फरवरी को बिहार के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के स्मारक कर्पूरी चौक पर उपवास कार्यक्रम में सभी जुगाड़ ठेला भाग लेंगे और वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। और आज के बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य बिहार सरकार को जो माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है उस आदेश के खिलाफ
माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों की ओर से बिहार राज्य जुगाड़ ठेला रिक्शा संघ मजदूर संघ की ओर से रिट याचिका दायर किया जाएगा और इसे कानूनी लड़ाई लड़ते हुए हम कानूनी मान्यता प्रदान करने का कार्य करेंगे ताकि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में 2.5 लाख से ऊपर जुगाड़ ठेला रिक्शा चालक हैं व निर्माता हैं जिनके बदौलत कम से कम 30 से 35 लाख बिहार की आबादी का जो है भरण पोषण हो रहा है, जीविकोपार्जन चल रहा है। अगर उर्दू बाजार फैजुल्ला खान के दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राजा खान साहिब ने किया। बैठक में और चले कांग्रेस की ओर अभियान में तेजी लाने पर बल दिया गया। कमेटी के द्वारा अभी जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम आओ चलो कांग्रेस की ओर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ सके, हम लोग इसके लिए इस राह पे चल रहे हैं, जिसका अगला कार्यक्रम वार्ड नंबर 37 में रखना है। उस सिलसिले में मीटिंग थी, वार्ड नंबर 9 में रखना है, उस सिलसिले में मीटिंग थी। लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, आज बहुत महंगाई चरम सीमा पर चली गई है, छात्र परेशान हाल है, छात्र की ये दुर्दशा बन गई है। आप कभी यूपीए सरकार में जो ट्रेन का भाड़ा भी फ्री में सफ़र किया करते थे, आज फॉर्म भरने में भी 1000 रुपये का खर्च आता है। 1-2 हज़ार की सीट के लिए 2 लाख छात्र बैठते हैं और उस छात्र से 1000 रुपये के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। एक गरीब छात्र, एक दलित का बच्चा, एक बैकवर्ड का बच्चा, वो पैसा कहाँ से लाएगा? उसकी सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। 3400 लोगों का रिजल्ट में बहाली होना है, 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। महंगाई जो सिलेंडर, कभी मोदी जी ने कहा था कि मैं गैस का दाम गिरा दूंगा, 300 रुपये कर दूंगा, कांग्रेस रीजन में 400 रुपया थे, आज 774 रुपया की है। ये महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी का हालत, व्यापारियों व्यापारी खस्ता हाल है, व्यापारी त्राही त्राही में है। जीएसटी आ गई, जीएसटी सोना के बिस्कुट पे टैक्स 3% टैक्स है और खाने वाले बिस्कुट पे 18%। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से, कि अभिलंब अपने कहे हुए वादा अनुसार, उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा सरकारी नौकरी, उसे अभिलंब दे, पकौड़ा बनाने का सपना न दिखाए, पकौड़ा बेचने का शिक्षा में क्या इसीलिए बजट की कटौती की गई है कि बच्चे पढ़े नहीं पकौड़ा बेचे? जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम हुआ? राजा अंसारी, अध्यक्ष नगर कांग्रेस का। अभी अभी जो नया घोटाला हुआ नीरव मोदी द्वारा, इससे पहले एक और घोटाला हुआ, इससे देश को इतनी क्षति पहुंची है कि बताया नहीं जा सकता। शिक्षा में कटौती किया जा रहा, उसके अलावा यहाँ जन समस्याएं शहर की बढ़ती जा रही है, शहर में भी तरह तरह की परेशानी आ रही है, कहीं बिजली विभाग की परेशानी है, कहीं रोड की समस्या, कहीं नाले की समस्या। उसको जो जो भाजपा के MLA होने के बावजूद यहाँ की समस्या खत्म नहीं हुई और जब तक होती गई और बढ़ती ही जा रही है। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस, यहाँ सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है और यहाँ सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता BMP 13 सोनजी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनजी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। धर्मिंदर वीडियो कैमरा एंड वीडियो मिक्सिंग लैब, पता बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग, DSLR फोटोग्राफी, करिश्मा एल्बम, साउंड,
और डीजे ट्रॉलिंग, लाइट डेकोरेटिंग एवं वीडियो मिक्सिंग भी किया जाता है। संपर्क करें बाजितपुर मिल्की चक दरभंगा, कॉन्टैक्ट नंबर 9304520139।